नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार पुनः स्वम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कमेंट्स थे, उन्हीं का उत्तर देने के लिए वीडियो बनाया गया है। इस वीडियो के माध्यम से जो है पड़ताल करने के बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी ने क्या बयान दिया है एग्ज़ाम सेंटर को लेकर के, एग्ज़ाम की स्थिति को लेकर के, और 9 अगस्त को जैसे कि छात्रों के कमेंट्स थे कि लॉकडाउन आपका रहता है प्रत्येक शनिवार और संडे को, तो किस तरीके से ये परीक्षा संपन्न होगी और छात्र कहाँ अभियान करे। यदि छात्र काफ़ी लोगों के छात्रों की डिमांड है कि या तो उनके जो सेंटर हैं वो चेंज किए जाएं, या फिर ये जो परीक्षा है जिस तरीके से खतरा बना हुआ है स्थगित की जाए, तो इस तरीके के अभियान के लिए छात्र कहाँ संपर्क करें ये भी आपको बताया जाएगा। सबसे पहले एग्ज़ाम सेंटर के लिए जो लखनऊ यूनिवर्सिटी ने कहा है, तो देखिएगा, जब लखनऊ यूनिवर्सिटी से हमने जो है जानकारी प्राप्त करना चाहा तो हमें केवल इतनी जानकारी उनके माध्यम से दी गई कि आपके जो एग्ज़ाम सेंटर हैं वो शासन की अनुमति के मुताबिक जो हैं गवर्नमेंट कॉलेज में बनाने थे। तो गवर्नमेंट कॉलेज में ये सेंटर बनाने थे, जो भी गवर्नमेंट कॉलेज जिस तरीके के राजकीय संस्थान है उस तरीके से ज़िले के जहाँ भी अनुमति मिली सभी कॉलेजों से ब्यौरा मांगा गया। तो जिस ज़िले में जितने भी कॉलेज बनाए गए हैं वहाँ पर छात्रों की संख्या को देखते हुए यदि छात्रों की जो है पूर्ति नहीं होती है तो दूसरे छात्र को जो है दूसरे ज़िले में ट्रांसफ़र कर दिया गया। सपोज कीजिए एक ज़िले में आपके जो हैं यहाँ पर 5 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, और ये जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं यदि इनमें बात की जाए कि 1500 स्टूडेंट या 1400 स्टूडेंट जैसे भी कॉलेज की क्षमता है वो शामिल किए जाएँ, लेकिन इस ज़िले में जो अगर स्टूडेंट्स की संख्या जो है 3000 हैं तो बाकी के शेष जो 1500 स्टूडेंट्स हैं उनको जो है अलग ज़िलों में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। यदि बात की जाए तो देखिएगा, बड़े शहरों में जो है एग्ज़ाम सेंटर के लिए ज़्यादा फोकस किया गया है क्योंकि वहाँ पर कॉलेज ज़्यादा होते हैं। इनमें आपका जो है कानपुर और आगरा, जैसे आपका आगरा हुआ, मेरठ हुआ, और यहाँ पर आपका जो है प्रयागराज है, इस तरीके से लखनऊ हुआ, तो यहाँ पर आपके सेंटर जो है ज़्यादा मात्रा में बनाए गए हैं क्योंकि इन शहरों में जो है गवर्नमेंट कॉलेज की भरमार है, तो ज़्यादातर विद्यार्थियों को सेंटर जो है इन्हीं जगह पर मिले हैं। आपका अपने सेंटर जहाँ भी आपको मिला है कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा और कितनी दूरी पर है और क्या आपके सामने और भी कोई समस्या है। तो यहाँ पर यदि बात की जाए कि सेंटर चेंज हो सकते हैं क्या, तो देखिएगा सेंटर चेंज होना या एग्ज़ाम कैंसिल होना वो जो है यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट की रुचि पर निर्भर करेगा कि वो विद्यार्थियों की मांग को किस तरीके से लेते हैं, लेकिन विद्यार्थियों को भी अपना प्रयास करना होगा। इसके लिए जो है हमने आपको बताया था कि आप लखनऊ यूनिवर्सिटी की मेल कीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप लखनऊ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पर जाओगे तो तीसरे नंबर पर आपको जो है हेल्पलाइन वाला कॉलम मिलेगा, उसका पीडीएफ जब आप डाउनलोड कर लोगे तो उसमें आपको कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी या फैक्स नंबर सभी मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आप मेल या फ़ोन करने की कोशिश करें, मैसेज करें। दूसरा जो है ये है कि मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के लिए आप जो है ट्वीट कीजिएगा, तो ट्वीट करने के लिए जो है आपको जो है ट्विटर पर यहाँ पर ट्वीट करना होगा, और भारी मात्रा में यदि इस तरीके के वहाँ पर जाते हैं तो हो सकता है आपकी परीक्षा को लेकर के कुछ संज्ञान लिया जाए। तो यहाँ पर इस तरीके का अभियान जो है छात्रों को करना होगा क्योंकि अभी फ़िलहाल के कंडीशन में आपको जो है एकत्रित होने की भी अनुमति नहीं है, जिस तरीके से वायरस का खतरा जो है लगातार चल रहा है, तो आप जो है एक जगह एकत्रित होकर के ये अभियान नहीं कर सकते हैं। तो आप जो है ट्विटर और यहाँ पर मेल के माध्यम से ये ज़्यादा से ज़्यादा मेल कीजिएगा तो आपको जो है कुछ शांति मिल सकती है, राहत मिल सकती है जिन लोगों के एग्ज़ाम सेंटर दूर हैं। 9 अगस्त को आपका लॉकडाउन है, परीक्षा कैसे होगी, तो देखिएगा सरकार जिस तरीके से लखनऊ यूनिवर्सिटी ने बताया कि जब आप जो है एडमिट कार्ड उन लोगों को दिखाओगे जो भी आपको रोकना चाहता है, पुलिस वगैरह, तो एडमिट कार्ड देखने के बाद वो आपको अनुमति दे देंगे जहाँ भी आप जाना चाहते हो।
लेकिन समस्या ये है कि आपके जो वाहन है, वाहन में जो है बस को जो है अनुमति दी गई है कि आपके लिए जो है बस की सुविधा उपलब्ध रहेगी, लेकिन आप सभी जानते हैं कि बस जो है काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड मात्रा में चलाई जा रही हैं और ये जो है लंबी दूरी के लिए बहुत ही कम मात्रा में चलाई गई हैं, तो परेशानी तो आपको होगी। आप अपने एग्जाम सेंटर के लिए एक दो दिन में स्थिति क्लियर हो जाएगी कि आपका चेंज होगा या परीक्षा आपकी कैंसिल होगी, तो यहाँ पर अभियान आप कर सकते हैं। और यदि आपको जो है परीक्षा देने जाना ही पड़ा, क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी जो है ये मानने को तैयार नहीं है कि परीक्षा आपकी स्थगित होगी, तो आपको जो है एक दिन पहले ही अपने सेंटर पर पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम के समय पर आप ना पहुंचें और आपका एग्ज़ाम जो है वहां पर आपकी उपस्थिति ना हो पाए। तो दोस्तों, वीडियो के माध्यम से जानकारी देना चाहा वो आपको मिल चुकी होगी। यदि आपकी कोई और समस्या है तो कमेंट्स में दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय भारत।